हमने कई बार सुना है कि कई टीवी एक्टर्स ने फिल्मों में हाथ आजमाया, लेकिन टीवी छोड़ने के बाद वो बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर पाए। मगर आज हम आपको बताएंगे टीवी के उन स्टार्स के बारे में जो टीवी के साथ साथ बॉलीवुड में भी काफी फेमस हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड और टीवी के उन एक्टर्स से जो दोनों जगह फेमस हैं। फारूक शेख, शो चमत्कार से लेकर जीना इसी का नाम है से टीवी पर फारूक शेख ने खूब नाम कमाया। इसके अलावा वो फिल्मों में भी फेमस रहे। फारूक शेख ने शतरंज के खिलाड़ी, चश्मे बदूर और उमराव जान जैसी फिल्में की। सुशांत सिंह राजपूत, सीरियल पवित्र रिश्ता की बदौलत लोग एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को उनके नाम के बजाय उनके रियल नाम मानव से जानते थे। ये शो अपने टाइम का हिट शो है और फिर इस शो के बाद सुशांत ने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई। पहली फिल्म कायपोचे के बाद सुशांत ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। राम कपूर, सीरियल कसम से और बड़े अच्छे लगते हैं से राम कपूर ने ऑडियंस को खूब इम्प्रेस किया। राम कपूर ने टीवी की दुनिया में अपने आप को बहुत अच्छे से स्थापित किया और इसके बाद उन्होंने फिल्मों में हाथ आजमाया। उन्होंने हम शक्ल, मेरे डैडी की मारुति और इसके अलावा कुछ कुछ लोचा है, बार बार देखो, एजेंट विनोद और उड़ान जैसी फिल्में की। रोनित रॉय, मिहिर वीरानी से मिस्टर बजाज बने रोनित रॉय ऑडियंस के बीच काफी फेमस हैं। आपको बता दें कि रोनित ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्मों से की, लेकिन जब वो वहाँ नहीं चल पाए तो फिर उन्होंने टीवी का रुख किया, लेकिन अब टीवी करने के बाद वो दोबारा फिल्मों में नजर आए हैं। रोनित ने टू स्टेट्स में अर्जुन कपूर के पिता का किरदार निभाया। उड़ान और काबिल में भी उन्होंने काम किया है। शाहरुख खान, अब शाहरुख खान के बारे में हम क्या कहें, इनके बारे में तो दुनिया जानती है। बॉलीवुड के किंग खान किसी जमाने में टीवी के सबसे पॉपुलर एक्टर हुआ करते थे। शाहरुख ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी से ही 1988 में सीरियल फौजी से की। ये उनका पहला टीवी पर बड़ा ब्रेक था और फिर इसके बाद उन्होंने किया बॉलीवुड का रुख और आज शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान बन गए हैं।